नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम अभी लाल खदान ठेका बेबुल के जगह पे आए हुए। ये नीरज जो है इनके चाचा का घर है और ये मेरा पुराना स्टूडेंट है और यहाँ पर कोबरा है। तो चलिए हम सांप को रेस्क्यू करते हैं और उस सांप को इन सुरक्षित जगह में छोड़कर परिवार को भी सेव करते हैं। तो स्टूडियो बने रहिएगा। चलो भैया स्टूडियो उठाओ। दोस्तों ये बिग साइज का कोबरा है और ये टॉयलेट के जो ऊपर सीट लगा हुआ है टीन का, उसके बीच में जो गैप है वहीं घुस के बैठा है। और आप लोग कब से इसको निगरानी रख रहे हैं? 2-3 घंटा हो गया। चलिए ठीक है, अब मुसीबत पार हो जाएगा। जाम कर क्या उधर भाग जाएगा तो मुसीबत पड़ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 सेकंड का काम है, कहीं नहीं जाएगा। कर दो ना दोस्तों। देखो किस तरह से ये परिवार परेशान था और अभी इनका डर खत्म हो गया है। और इस सांप को सभी जानते हैं, हमारा चैनल का मेन मकसद यही है कि सर्पदन से होने वाली मौतों में कमी आए। और प्लीज़ सांप जब भी किसी को काटे, हमारे खास करके ग्रामीण भाई, उनसे मेरा निवेदन है कि किसी भी बाबा के चक्कर मत आइए, किसी प्रकार का झाड़ फूक के चक्कर मत आइए। आपकी जान सिर्फ डॉक्टर ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। तो जब भी सांप काटे इमीडिएट हॉस्पिटल जाए ताकि आपको एंटीवेनम दिया जाए और आपकी जान बच जाए। यूट्यूब में हमारा चैनल, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमल चौधरी के नाम से है। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो सांप से जुड़ी जितनी वीडियो आए आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं स्पेशली घर वालों को मैं बोलना चाहूँगा कि अपने घर में जो आसपास जो जंगल झाड़ी है उसको साफ रखिए। अगर ऐसा रहेगा तो घर में सांप आएंगे और जिससे हादसा होने के चांसेस रहेंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।